आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। जो आपका मैट्रिक्स है ए, ठीक है, वो है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है, और ऑर्डर के हिसाब से उसका ऑड ऑर्डर है ना, मतलब वो 1:1 या 3:3 ऐसी होगी, ठीक है। और बोला हुआ है कि आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू आपको देखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, वो ये ए मैट्रिक्स मान लिया अपने, ये किसके होनी चाहिए, माइनस के ट्रांसपोज की, है ना, इसके इक्वल आपके होनी चाहिए, ऐसी ये प्रॉपर्टी है इसकी, है ना, इसके इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब लेट सपोज, अपन क्या करते हैं, लेट आपने मान ली कि कोई मैट्रिक्स ए है, वो क्या है आपके पास 0, 1, -2, ठीक है, और ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे माइनस का 1, 0, 3, और यहाँ पे लिख दिया आपने 3, और ये लिख दिया आपने क्या आपका माइनस का 3, सॉरी इसको अपन लिख देते माइनस का 2, इसको लिख दिया आपने माइनस का, और यहाँ पे लिख दिया आपने 0। अब इसको करते हैं कुछ इस तरीके से, इसका निकालते हैं ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये ट्रांसपोज कर दिया इसका मैंने, ट्रांसपोज कैसे करते हैं कि रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, तो फर्स्ट रो को आप कॉलम बना दो तो 0, 1, -2 आ गया, सेकेंड रो को कॉलम बना देंगे हम सेकेंड वाला, -1 आ गया, 0 आ गया एंड 3 आ गया, ऐसे ही आपका जो थर्ड जो है उसको बना देंगे थर्ड कॉलम, तो -2 आ गया, -3 हो गया एंड ये हो जाएगा आपके पास 0, सॉरी इसको प्लस का ले लेते हैं, तो ये हो गया प्लस का, है ना, और इसको टाइप करूंगा यहाँ पर, और ये हो गया आपके पास 0, ओके। अब करते हैं यहाँ पर इसमें नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा आपके पास 0, जो नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, वो जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव 0, ये पॉजिटिव, ऐसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड ये 0। अब अपन क्या देख रहे हैं कि किसके इक्वल है आपके, इसके इक्वल है, ठीक है, इसके इक्वल है आपके ए के इक्वल है, तो यहाँ पे देखो ये आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो ए टी है, ठीक है, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए है वो किसके इक्वल है आपके माइनस के ए के, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर कि ए इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, है ना, और ये तो ये आपका प्रूव हो गया भाई, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आप क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए देखो सबसे पहले तो मैं वापस से ए लिख देता हूँ कि ए क्या आ रहा था आपके पास 0, 1 और माइनस का 2, ये लिया था अपन ने -1, 0 एंड 3, ठीक है, एंड 2, -3 एंड आपका 0, ये है आपका, है ना। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो किसके अलोंग निकाल रहे हैं, आर वन के अलोंग, 0 लिखा और क्या जाएगा ये कॉलम और ये रो, सॉरी ये रो और ये कॉलम का 0, 3, 3, 0, 3, -3 एंड 0 आ गया, फिर ये आपके नेगेटिव वाला आएगा तो -1 और ये कॉलम ये रो गया तो -1, 3, -1, 3, 2 एंड 0, 2 एंड 0, फिर लेंगे इसको इसको तो ये हो गया माइनस का 2, भाई वैसे तो पॉजिटिव आता लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव लिख दिया अपन, है ना, तो ये गायब और आपका ये गायब, तो माइनस का 1, 0 एंड 2 एंड -3 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है, तो ये तो हो गया 0, ये -1 लिखा, अब देखो माइनस का 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया 0, 2 को और फिर माइनस लिखेंगे और 2 इंटू 3, 6, फिर -2, तो -1 और -3 ये हो गया प्लस का 3, -2 को 0 से किया तो ये आया 0, तो आगे सोल्व करते हैं इसको, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, 0 -6, -6, -2 -+, तो प्लस का 6 आ गया, ऐसे देखो 3 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो माइनस का 6 आ जाएगा, मतलब क्या आ गया है 0 के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल, तो मतलब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।